हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल तैयारी। आज है 2 फरवरी 2020। 2 फरवरी 2020 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हम इस वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये इस साल रहा 29वां, यानी बी ऑप्शन। इसके पहले था 130वां, अब है 129वां। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही बीबीसी शॉर्टवेव रेडियो का अंतिम प्रसारण कब किया गया? 31 जनवरी 2020 को किया गया, यानी सी ऑप्शन। बीबीसी शॉर्टवेव रेडियो जो हिंदी में प्रसारित होता था उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल में इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में विमेन सिंगल टाइटल किसके नाम हुआ है? तो ये हुआ है सोफिया केनिन के नाम, यानी ए ऑप्शन। सोफिया केनिन अमेरिका की 21 वर्षीय महिला है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 वुमेन्स सिंगल टाइटल्स जीता है। ये है सोफिया कैनिन। ये ग्रैंड स्लैम होता कहाँ? ये ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ का मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह है नंगोम बाला देवी, यानी ए ऑप्शन। कौन है? नंगोम बाला देवी। कोई प्लेयर कोई सरकारी जॉब में कार्यरत रहता है, वो किसी खेल में भी एक्टिव हो तो उसको पेशेवर फुटबॉलर बोलते हैं। नंगोम बाला देवी ये मणिपुर की रहने वाली है। ये मणिपुर में पुलिस विभाग की तरफ से खेलती है। तो चलिए जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की राजधानी कहाँ? इम्फॉल। और यहाँ हाल में ही मणिपुर दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 जनवरी को। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, अगले 30 वर्षों में भारत कार्बन उत्सर्जन को कितने मैट्रिक टन बढ़ जाने की संभावना है? तो ये 600 मैट्रिक टन बढ़ जाने की संभावना है, यानी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के लिए SOS अलर्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने, यानी बी ऑप्शन। अब ये टर्म क्या है? SOS। SOS अगर पूरे वर्ल्ड में कोई विपदा आती है तो SOS जारी किया जाता है, ताकि कोई भी सर्च करे तो उसे सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर कोरोना वायरस के बारे में आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको WHO के साइट से जो इन्फॉर्मेशन जारी किया गया वो सीधे आपको प्राप्त होगी। SOS जारी किसने किया? गूगल ने। तो चलिए जानते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में। कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, जैव जेट ईंधन के 10% मिशन से संचालित होने वाली भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान है? तो ये है AN-32, यानी बी ऑप्शन। पहले जेट ईंधन से चलता था, अब जैव जेट ईंधन से चलेगा। ईंधन प्राप्त कहाँ से होता है? ये ईंधन प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ में, जो आदिवासी है पेड़ पौधे से इसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है? तो निधन हो गया है विद्या बाल का, यानी ए ऑप्शन। ये क्या थी? ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये है विद्या बाल। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, यानी ए ऑप्शन। मध्य प्रदेश के अमरकंठ क्षेत्र में ये आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर रूबी गुला फ्लेम थ्रोडेड बुलबुल का अनावरण कहाँ किया गया है? ये किया गया है गोवा में, यानी ए ऑप्शन। इसका अनावरण किसने किया है? तो इसके अनावरण केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। कौन किया है? किरण रिजिजू ने किया है। तो चलिए जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। ये था आज का क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।